सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये जो लाइन है ए बी वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ ये जो लाइन है ये एफ और ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 90 होगा इधर वाला। अच्छा, अब ये कह रहा है एंड जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी यानी ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 126 है, ये जो पूरा एंगल है वो कितना है 126 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड ए जी ई, अब जो हमें फाइंड करना है उसको हम वो कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखो, एक तो हमें ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक हमको फाइंड करना है जी ई एफ, तो जी ई एफ जी ई एफ यानी ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एक फाइंड करना है एफ जी ई, तो एफ जी ई एफ जी ई यानी ये वाला एंगल, ठीक है, यानी कि ये तीन एंगल फाइंड करना है, एक दो तीन, इन तीनों को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो इन तीनों को फाइंड करना है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये दिया ही हुआ है हमें ए जी ई, ये एंगल और ये एंगल का, ये एंगल 126 कौन सा दिया है, जी ई डी। तो देखिए जी ई डी, देखो अल्टरनेट एंगल बन रहा है जी ई डी, समझ में आ रही बात मेरी। देखो दो लाइन जब पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जी ई, जी ई अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल पूरा बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, चित्र से हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, जी ई डी यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल, मैं पूरा ही लिख दिया, जी ई ट्रांसवर्सल है, सी डी अल्टरनेट हो गए एंगल, ठीक है ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमें पता क्या करना था, जो पता करना था वो मिल गया ए जी, तो हम लिखेंगे, क्योंकि जी ई डी कितना है 126 ये लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। एक तो हमने फाइंड कर लिया ये वाला, ये क्लियर हो चुका है, राइट लगा दिया मैंने। अब हम जी ई एफ को देखें, ये एंगल देखना है हमको, ये वाला, ये एंगल। तो देखिए ये जो है ये पूरा तो 90 है, तो 90 में से नहीं, ये नहीं, इस तरह नहीं आएगा, ये एंगल इतना पता चल जाएगा 90 में से, अगर ये एंगल पूरा 126 में से अगर 90 घटा दो तो ये आ जाएगा, सिंपल आ रहा है देखो, क्योंकि देखिए यहाँ डायग्राम में देखो ये पूरा 126 है, बस इसमें से 90 हटा दो तो यही तो बचेगा, सिंपल। तो देखिए हमें आप क्या चाहिए, जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ जो है वो हमको किस तरह पता चलेगा, एंगल जी ई डी माइनस एंगल ई एफ ई डी। देखो जी ई डी में से एफ ई डी घटा देंगे, ये घटा देंगे तो ये बचेगा। तो देखिए जी ई डी कितना है 126 और एफ ई डी कितना है 90, तो 126 में से 90 घटा दो, 36 डिग्री, तो जी ई एफ भी आ गया हमारे पास। अब बचा ये एफ जी ई, अब एफ जी ई क्या है, देखिए यहाँ पे देखें एफ जी ई ये एंगल है, अब ये एंगल तो पता चल ही गया ये कितना है 36, ठीक है।
अब ये एंगल, ये देखिए परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा, ये 36 है ये 90 है, तो ये अपने आप पता चल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। और या फिर ये काम नहीं करना है तो दूसरा काम ये कर सकते हो, ये लीनियर पेयर बनना है लीनियर पेयर बना लो, वही ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब देखेंगे ना, देखिए ये एंगल कितना है, ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस इस एंगल को लिखेंगे एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, इजकल टू 180, इसको लिख देंगे लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहा है। अब लीनियर पेयर बना रहा है तो देखो ए जी ई, ए जी ई हमारे पास ये रहा देखो 126, और प्लस एफ जी ई तो हमें पता ही करना है, एफ जी तो हमें पता ही करना है, और 100, अब इसको उधर ले जाओ 126 को, तो एंगल एफ जी ई 180 माइनस 126, इसको उधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो एंगल एफ जी ई इजकल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, 54 आएगा ये, ठीक है। तो ये तीनों एंगल्स आपके आ रहे हैं, मैंने बॉक्स में लिख दिए, इसे बार बार दिखाना नहीं पड़ेगा आपको इसी तरीके से।